दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक हाजिर हूँ एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर के, जो आपके इंग्लिश ग्रामर के नॉलेज को और बढ़ा देगा। और दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये हमारे पिछले टॉपिक का एक प्रो वर्जन है। अब आप कहेंगे ये प्रो वर्जन क्या होता है? आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो कोई भी अगर अच्छा, जैसे आजकल मोबाइल्स में हो रहा है कि एक मोबाइल लॉन्च होता है तो उसका एक जनरल वर्जन और एक प्रो वर्जन दोनों ही लॉन्च होते हैं। तो प्रो वर्जन क्या है? जनरल वर्जन से बढ़िया, जो पहले वाला वर्जन निकला था उससे कुछ ज्यादा बढ़िया। तो ऐसा ही इस टॉपिक में होने वाला है कि जो हमने पहले वाला टॉपिक पढ़ा था नाउन्स, उसका ये प्रो वर्जन है। प्रो वर्जन यानी प्रोनाउन, यानी नाउन से बेटर। क्योंकि नाउन्स का ये क्यों बेटर है? क्योंकि नाउन्स जो है वो यूज होती है एक सेंटेंस में, लेकिन जब वो बार बार यूज होने लग जाए, अगर उसकी रिपीटेशन होने लग जाए, तो वो थोड़ा सा जो हमारा लैंग्वेज है उसको अच्छा नहीं फील होने देता, यानी जो उसकी क्वालिटी है वो कम हो जाती है लैंग्वेज की। यानी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स को गलत भी माना गया है लिटरेचर के अकॉर्डिंग। तो उसी चीज में फिर क्या होता है कि ये हमारे प्रोनाउंस आते हैं जो उसकी जगह बेटर उस लैंग्वेज को बना देते हैं। तो ये टॉपिक हम आज इस वीडियो में करेंगे। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो, वो व्यूवर्स जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे उस वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे क्या होगा कि हम जो रोज नया वीडियो डालते हैं वो आपके पास पहुंच जाए और आप उसको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। देखेंगे कि टॉपिक का नाम, जैसा मैंने बता दिया है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन का डिफिनेशन अगर देखा जाए तो ये मैंने बताया ना कि ये एक जनरल, जैसे प्रोडक्ट का एक प्रो प्रोडक्ट होता है, वैसे ही ये नाउन का एक प्रो वर्जन है। यानी नाउन्स की जगह पर ये ज्यादा अच्छे होते हैं। नाउन भी अच्छे हैं लेकिन नाउन से भी ज्यादा बेटर ये होते हैं प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन में जैसे प्रे शब्द का, यानी अपने जो प्रो, ये जो अपना वर्ड है, इसका मतलब भी यही होता है कि भाई किसी जगह पर, किसी के स्थान पर आप कोई वर्ड लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये नाउन का एक प्रो वर्जन है। अब ये एक रिप्लेसमेंट होता है नाउन का, यानी प्रोनाउन जो है वो रिप्लेसमेंट है, और यानी सब्स्टिट्यूट बोल दीजिए, जैसे हमने पढ़ा था इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इतना देखेंगे कि ये क्या है प्रोनाउन, क्यों जरूरी है, कैसे इसमें इस्तेमाल होता है, क्या डिफरेंस है, सब कुछ देखना है, लैंग्वेज कैसे अच्छी बनती है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि प्रोनाउन की डिफिनेशन एक बार फिर से दिखा देता हूं। प्रोनाउन का मतलब होता है ए वर्ड टू रिप्लेस ए नाउन, यानी एक ऐसा कोई शब्द जो किसी नाउन के जगह पे आता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि भाई नाउन आप कभी यूज ही ना करो, उसके मतलब यूज का तरीका ये है कि नाउन फर्स्ट टाइम तो नाउन ही आएगी, लेकिन अगर आप दोबारा उस नाउन को अगर सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप उसका जो यूज करने से बचे और उसकी जगह पे आप प्रोनाउन का यूज करें, क्योंकि रिपीटेशन होते ही वो थोड़ा सा अजीब सा लगने लग जाएगा, ऑकवर्ड लगेगा। तो ऑकवर्ड वो साउंड ना करे, इसके लिए आप उसको स्मूथली बोलने के लिए, एक नए शब्द के साथ बोलने के लिए वो प्रोनाउन का इस्तेमाल करें आप। अब देखेंगे लैंग्वेज में, हम एक टेक्स्ट लेकर आए हैं, उस टेक्स्ट में देखेंगे कि टेक्स्ट का नाम है कि कर्ण इज अ टीचर, कर्ण टीचेस इंग्लिश, कर्णा सिस्टर इज लावण्या, लावण्या इज अ डॉक्टर, कर्णा एंड लावण्या आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, कर्णा एंड लावण्या सपोर्ट कर्णा एंड लावण्या वेरी मच। तो अब आपने देखा होगा कि साउंड किया होगा आपको कि क्या ये बार बार में कर्णा एंड लावण्या, कर्णा एंड लावण्या। तो ये जो चीज की जो एक रिपीटेशन की वजह से जो एक ऑकवर्डनेस जो मतलब क्रिएट हुई है, उसको कम करने के लिए हमारे पास है ये प्रोनाउन। हमको दिए गए हैं कि भाई आप ऐसा कीजिए कि अपनी लैंग्वेज को कंसाइज और अच्छा साउंड फील करवाने के लिए, मतलब उसको अच्छा फील करवाने के लिए, अच्छा साउंड करवाने के लिए उसको, और आप क्या करेंगे, आप इन शब्दों का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल कर लीजिए जिससे आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए। तो जैसे अब देखिए कि हम इसी टेक्स्ट को दोबारा हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए और लिखा है, तो आप देखेंगे इसमें कि कर्णा इज अ टीचर, ही टीचेस इंग्लिश, कर्णा सिस्टर इज लावण्या, सी इज अ डॉक्टर, बोथ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज,
दे सपोर्ट ईच अदर वेरी मच। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने ऊपर वाले कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ वर्ड्स को और हमने अंडरलाइन किया है रेड पेन से, और यहां हमने उनकी जगह रेड पेन से नीचे और ये वर्ड्स लिखे हैं जो कि क्या है, जो है प्रोनाउन। अब आप एक चीज देखें कि हमने ऐसा क्यों किया कि जैसे आप देखेंगे इसके अंदर कि ये जो करना है ये एक प्रॉपर नाउन है, हमने नाउन पढ़ा था क्योंकि ये एक पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम है। टीचर भी इसमें नाउन है, ये कॉमन नाउन है क्योंकि कोई भी हो सकता है टीचर। फिर यहां पर करना अगेन आया है, ये भी प्रॉपर नाउन है हमारी। यहां पर इंग्लिश जो है ये एक सब्जेक्ट का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया है क्योंकि ये एक भाषा का नाम भी है और सब्जेक्ट का नाम भी भाषा है, लैंग्वेज है, तो प्रॉपर नाउन हो गई। उसके बाद में करना, फिर ये देखो यहां पर हमारा नाउन है, और यहां पर हमने कल ही टॉपिक पढ़ा था कि भाई यहां पर जो अपोस्ट्रॉफी एस लग करके ये पजेसिव केस में चली जाती है नाउन, तो यहां पर ये पजेसिव केस का इस्तेमाल हुआ है नाउन के साथ। और सिस्टर भी यहां पर नाउन है, कॉमन नाउन है। उसके बाद में लावण्या, ये भी एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, यानी ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, फिर ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये कॉमन नाउन, ये दोनों हमारे प्रॉपर नाउन, यहां पर ये नाउन नहीं है, ठीक है, यहां पर ये है हमारी कॉमन नाउन, उसके बाद में ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, फिर ये दोबारा सेम वही है। तो अब इसमें देखेंगे आपकी कॉमन प्रॉपर नाउन का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, बार बार रिपीट हुई, कितनी बार हो गई है ये इसके अंदर। अब आप ये भी देखेंगे कि हमने सारी नाउन्स को चेंज नहीं किया है, जैसे देखो सबसे पहले हमने यहां वाले करना वर्ड को चेंज नहीं किया, यहां पर हमने कोई ही नहीं लगाया इसके अंदर, और ना ही हमने टीचर के अंदर कुछ चेंज किया है, लेकिन हमने जब दूसरी बार करना आया तो हमने उसकी जगह पे ही लगाया है, ठीक है। और यहां पर जो ये इंग्लिश है हमने इसको भी चेंज नहीं किया है क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, जैसे देखो यहां करना एक बार आ गया फिर दोबारा रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां टीचर दोबारा नहीं आया है, यहां पर ये इंग्लिश दोबारा नहीं आया है आगे। इसमें अब आप देखेंगे कि मैंने यहां पर कोई चेंज नहीं किया है कि जो यहां पर ये करना है मैंने इसके लिए हिज का इस्तेमाल नहीं किया है, आप देख पाएंगे, क्योंकि यहां पर हिज जो है वो ऑब्जेक्ट सॉरी ये एडजेक्टिव हो जाएगा, यहां पर अगर मैं इसकी जगह ये लगा दूं हिज तो ये पजेसिव एडजेक्टिव में चला जाएगा, न कि ये पजेसिव प्रोनाउन में होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको करना सिस्टर लिखा है, लेकिन लिखना आपको हिज ही है। उसके बाद देखिए कि मैंने यहां पर लावण्या के लिए सी का यूज किया है, और करना है लावण्या इसकी जगह मैंने दे का यूज न करके बोथ का किया है, क्यों, क्योंकि दे से यहां पर जो सेंटेंस है उसमें आप दे का यूज करेंगे तो वो सही नहीं होगा, यहां आपको बोथ करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ये एंड लगने की वजह से और यहां पर इन दोनों की जो एक विशेष बात बताई जा रही है तो यहां पर दोनों अर्थ लेना पड़ेगा, वे अर्थ नहीं ले सकते हम कि दोनों ही क्या है गवर्नमेंट इंप्लॉई है, वे गवर्नमेंट इंप्लॉई है ऐसा नहीं कहेंगे हम, तो यहां पर ये भी ध्यान रखना है। लेकिन देखो मैंने अगले वाले में यहां पर क्या किया कि करना एंड लावण्या सपोर्ट, तो यहां मैंने दे का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये इतना ज्यादा स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है, ये एक मतलब एक जनरल पॉइंट है, तो दे सपोर्ट ईच अदर वेरी मच। यहां पर मैंने देखो करना एंड लावण्या की जगह इसमें यहां पर मैंने ईच अदर इस्तेमाल किया है क्योंकि ये ईच अदर दोनों क्या है कि भाई इसको रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इस तरह से इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल करके देखो ये इसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ गया है, एक तो बोलने का डिफरेंस आ जाएगा, दूसरा ये कि इसकी जो साइज है वो थोड़ी सी कंसाइज हो जाएगा, थोड़ा सा ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन प्रोनाउंस का यूज करना मतलब सीखेंगे आप इन वीडियोज में। कल हम जो वीडियो आएगा उस वीडियो में हम जो प्रोनाउन है उनके टाइप्स और टाइप्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन टाइप्स को लेते रहेंगे, उनके एक्सप्लेनेशंस आपको यूज के वगैरह के हम बताते रहेंगे, और इससे आपकी जो नॉलेज है प्रोनाउन में धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपनी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और लैंग्वेज में अपना नॉलेज और भी अच्छा स्ट्रांग करते जाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।